आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वर्चुअली मीटिंग करेंगे। प्रेस सचिव जेन साकी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सरकार अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए ये मीटिंग की जा रही है। बाइडेन ने आखिरी बार मार्च में क्वाड लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। आज होने वाली बैठक में राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी कई मुद्दों में सहयोग को लेकर चर्चा करेंगे। इन मुद्दों में कोविड-19 महामारी को खत्म करने, जलवायु संकट से लड़ने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना शामिल है। दोनों देशों के नेताओं के बीच ये बैठक विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच अमेरिका भारत 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक से पहले होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद सीएम योगी दिल्ली में पीएम मोदी अमित शाह से मिलेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेताओं से मिलेंगे। इस दौरान सीएम योगी के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर तैनात पुलिस पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी की पुलिस कस्टडी रिमांड पांच दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब यूपी एटीएस को मुर्तजा की कस्टडी 16 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक के लिए मिल गई है। आज गोरखपुर के एसीजेएम कोर्ट में उसे पेश किया गया। एटीएस ने मुर्तजा के रिमांड दिन और बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। यूपीएटीएस ने सबूत के तौर पर एयरगज, लैपटॉप और दूसरी चीजें भी पेश की हैं। आज यहाँ अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस और शाहपुर की पुलिस ने संयुक्त रूप से पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने के लिए आवेदन किया था न्यायालय में। न्यायालय ने बहस के उपरांत ये पाया कि नहीं, अभी जुडिशल पुलिस कस्टडी रिमांड देना जरूरी है विवेचना के लिए, जाँच के लिए। इस आधार पर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस कस्टडी रिमांड को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया। अच्छा, ये जो रिमांड की प्रक्रिया है, ये कितने दिनों तक रहती है और कैसे, किस तरीके से न्यायालय इसे रिमांड देता है इसे जांच अधिकारी? नहीं, जिस दिन पकड़ा जाता उससे 14 दिन तक मैक्सिमम ये पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जा सकता है। तो अभी 16 तारीख तक इसको बढ़ाया गया। लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग के जेई पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक लाइनमैन ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इलाज के लिए उसे लखनऊ ले जाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद इस मामले ने तूल पकड़ ली। लाइनमैन ने मरने से पहले जेई पर परेशान करने का आरोप लगाया है। आरोप ये भी है कि ट्रांसफर के बदले जेई ने उससे अपनी पत्नी को उसके पास लाने के लिए कहा था। वहीं अब इस मामले पर डीएम ने एक्शन लेते हुए जेई को निलंबित कर दिया है। लगातार जनता पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। कभी पेट्रोल, डीजल तो सीएनजी के दाम बढ़ने से जनता की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। रसोई में सब्जी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक सब कुछ महंगा होना जनता के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। महंगाई की मार से हर वो व्यक्ति पीड़ित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के फसलों की कीमत जितनी बढ़ती नहीं है उससे ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती है। वही यही वजह है कि प्रदेश की जनता सरकार से महंगाई पर काबू करने की मांग कर रही है। चाचा, नाम क्या है आपका? अनवर। अनवर जी, क्या लग रहा है सब्जी के भाव बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? अब साल बहुत रहा है महंगा, बहुत तास ज्यादा, बजट खराब हो रहा है कस्टमर का, बजट खराब हो रहा है। नींबू पूरे सीजन में मेरी जिंदगी में पहली बार भाव रखा, बहुत टाइम बहुत महंगा महंगाई है। कुछ सब्जी मंदी हो गई है, कुछ ताकत से ज़्यादा नहीं है, बजट क्या करे गरीब आदमी, हालत बहुत ख़राब है। अभी मिर्ची पहले 100 रुपये किलो थी, अब 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो हो गई है।
धनिया बढ़ गए, टमाटर बढ़ गए, नींबू तो सबसे हाई रेट है। भैया क्या नाम है? केशव सिंह नाम है सर मेरा। केशव जी, सब्जी खरीदी है आपको, क्या भाव में अंतर नजर आ रहा है? भाव में अंतर समझो कम से कम चार गुना ज्यादा है। चार गुना ज्यादा। ये नींबू लिए हैं मैंने, अभी नींबू 15 रुपए के दो, ये 5 के 2 मिलते थे, अभी ये 15 रुपए के दो है। तो क्या क्या लगता है किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं रसोई? अब क्या करें, खाने बस खाने पीने की चीज़ें वो तो खानी पीनी तो पड़ेंगी, ये बहुत महंगाई हो रही है इस टाइम। क्या अपेक्षा चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये अपेक्षा चाहते हैं कि महंगाई को थोड़ा कम करें, आम आदमी बहुत परेशान है। वोट डालने गए थे ये सोच कर कि महंगाई पर लगाम लगेगी, महंगाई पर लगाम तो नहीं लगी, लेकिन आम आदमी की कमर महंगाई से ज़रूर टूट रही है। हम बात करें नींबू की, तो सब्जियों में नींबू राजा भी कहलाया जा रहा है। नींबू 240-260 के पार बिक रहा है, वहीं रोज़ाना सब्जियां जो रसोई में इस्तेमाल होती हैं वो अब ग्राहक दोगुनी रेट पर ख़रीद रहा है। बात करें हम, जब पेट्रोल डीजल और गैस पर पैसे बढ़ाए जाते हैं तो सब्जियां और गरीब किसानों पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस महंगाई पर लगाम लग पाती है। अपने सहयोगी राशिद हुसैन के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। खबर फरुखाबाद से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नुनहाई में सीओसीटी, एसओजी और सर्विलांस टीम ने सभासद के घर पर छापा मारा। मुखबिर की सूचना के मुताबिक आईपीएल सट्टे में संलिप्त होने के चलते पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं इस छापेमारी के दौरान मौके से सभासद फरार हो गया, जबकि कार्रवाई के बाद सीओसीटी प्रदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि सभासद के घर से कुछ नकदी मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें कुछ जानकारी मिली है। सूचना मिली थी कि आईपीएल का जो एक सट्टा का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी सूचना पर रेड के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और जो भाग गए उनकी अभी पुलिस तलाश कर रही है और आगे की जाँच अभी जारी है। अच्छा सर, अब वहाँ पर रिकवर क्या हुआ है? कुछ इसमें जो मोबाइल रिकवर हुए हैं, जिसमें कुछ डिटेल्स हैं, कुछ कैश है, जो भी डिटेल्स अभी देखेंगे सारी चीज़ें। जिसके खिलाफ सूचना थी वो क्या सभासद हैं? नहीं, जो खिलाफ सूचना मिली, जिसने मतलब एक जिस बंदे को अरेस्ट किया उसने बताया कि कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उनके वो संपत्ति हैं, इसकी अभी जाँच की जा रही है। आईपीएल के बारे में डिटेल में कुछ पता चल पाया है? अब डिटेल में भी जाँच, कहाँ नेटवर्क है, जिले के बाहर भी नेटवर्क है, अभी उसकी वो जाँच का विषय है, हमारी सर्विलांस टीम उसे वर्क कर रही है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई। ये दोनों ही बदमाश नया बस अड्डा के पास से एक व्यक्ति से मोबाइल और उसका पर्स छीनकर भाग रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए और चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान कोतवाली घंटाघर क्षेत्र की सिविल लाइन चौकी के सामने पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस फायरिंग के दौरान दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई। हालांकि अब दोनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। आज भोर में गाजियाबाद पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि लालकुआं क्षेत्र से एक व्यक्ति की दो बाइक सवार बदमाशों ने असलाह दिखाकर पर्स और मोबाइल छीन लिया है। इस सूचना पर तत्काल गाजियाबाद पुलिस एक्टिव होती है और चेकिंग स्टार्ट होती है। उसी दौरान सिविल लाइन क्षेत्र में दो बाइक संदिग्ध सवार दिखाई देते हैं, जिसको वहाँ पे सिविल लाइन चौकी इंचार्ज रुकने का इशारा करते हैं। इसी बीच वो बदमाश हड़बड़ा कर अपनी बाइक मोड़कर भागने लगते हैं। इस दौरान उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, जिसमें उन दो बाइक सवार बदमाशों को गोली लगती है। उनको जो है तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने उनको खतरे से बाहर बताया है। उन दोनों बदमाशों की पहचान अभिषेक राजपूत सन ऑफ राकेश राजपूत और सौरभ सन ऑफ वीर कुमार के रूप में होती है, जिनमें से एक नोएडा का और एक गाजियाबाद क्षेत्र का रहने वाला बताया जाता है। रायबरेली के गदागंज थाना इलाके में खेत की रखवाली कर रहे किसान की सिर कूच कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि घटना का खुलासा करने के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही इस वारदात का खुलासा किया जाएगा। यहाँ गदागंज थाना क्षेत्र के ग्राम धूता में आज एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, जिनका की नाम ब्रजलाल यादव है। इनके सर पर चोट के निशान पाए गए हैं,
मौके पर फॉरेंसिक फील्ड यूनिट और थाने सर्कल की फोर्स मौजूद है। इस घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड भी यहां पर बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य एकत्रित होंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जहां देश और प्रदेश की भाजपा सरकारें बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से बेटियों को बचाने की मुहिम में लगी हुई है, वहीं कुछ अशिक्षित लोग अभी भी बेटियों को बोझ मान रहे हैं। एक ताजा मामला सामने आया है। हमीरपुर जिले में एक गर्भवती महिला को ससुराली जनों ने महज इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि वो 3 लड़कियों को जन्म दे चुकी है और इस बार भी उन्हें लड़की होने का डर था, जिसके बाद परेशान महिला ने अपनी एक दुधमुही बच्ची को सड़क में फेंक दिया। जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को उसकी मां को सुपुर्द किया और मायके पहुंचा दिया और पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। ससुराल वाले आपको क्यों नहीं रखते हैं, क्यों भगा रहे हैं? बेटी कहीं बेटियां 3 थे, लड़की लड़के हैं। तो क्या कहने लगते हैं? तेरे लड़का नहीं है, लड़का चाहना है हमें, इसे भगा दें। तो फिर आप मायके में आती हैं तो फिर इसे मायके की भगा दी। तो क्या चाहती हैं आप? अब हम कहां रहे हैं? तो ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया और इसकी वजह थी कि महिला की पहले से ही कई बेटियां थी और एक बार फिर जब वो गर्भवती हुई तो उन्हें बेटी होने का डर था, जिसकी वजह से उन्होंने महिला को घर से निकाल दिया। 3 लड़कियों को जन्म दे चुकी है महिला और गर्भवती होने के बाद उसे जब घर से बाहर निकाला गया तो उसने अपनी दुधमुही बच्ची को सड़क पे फेंक दिया, जिसके बाद लोगों ने स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने महिला को उसके मायके पहुंचाया उसकी मां के साथ, साथ ही साथ पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है और अब पुलिस इसकी जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।